हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि प्रेग्नेंट होते ही आपके बॉडी में, खासकर प्राइवेट पार्ट एरिया में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस हर एक महिलाओं में जो है देखने को मिलेगी, अधिकतर महिलाओं में। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे लक्षण सारी महिलाओं में मिलेंगे, लेकिन अधिकतर महिलाओं में ये लक्षण देखने को मिले हैं। उसी में से एक लक्षण ये होता है कि प्राइवेट एरिया, मतलब प्राइवेट पार्ट एरिया में डिस्चार्जेस का होना। डिस्चार्जेस कई तरह के होते हैं, जैसे कि आप नॉर्मल लाइफ में ये देखोगे कि डिस्चार्जेस जो है वो आपको हो रहे हैं पीरियड आने से पहले, पीरियड आने के बाद, ओवुलेशन के दौरान डिस्चार्जेस हो रहे हैं। लेकिन जो प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज होता है, प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद, वो होता है स्टिकी और थोड़ा थिक होता है। कई महिलाओं को तो येलो टाइप के भी डिस्चार्जेस होते हैं। तो स्टिकी और थोड़ा थिक होना, ये एक प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज माना जाता है। और प्रेगनेंसी में इसी तरह के डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेंगे जब आप प्रेग्नेंट होंगी। दूसरा ये है कि डिस्चार्जेस तो होते ही हैं, जैसे अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाओं को डिस्चार्जेस होते हैं। साथ ही जब लेबर पेन या लेबर डिलीवरी होने वाली होती है, डिलीवरी होने के कुछ लक्षण होते हैं जो डिस्चार्जेस होते हैं, जैसे कि म्यूकस प्लग निकलता है तब डिस्चार्जेस होते हैं। तो वो महीना प्रेगनेंसी के महीने के अंत में होता है। लेकिन जो महिलाएँ प्रेग्नेंट होती हैं तो अर्ली साइन भी एक डिस्चार्ज माना जाता है। तो अर्ली साइन के अनुसार भी डिस्चार्जेस होते हैं महिलाओं को। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि बार बार यूरिन के लिए जाना हो सकता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बार बार यूरिन आपको जाना पड़ रहा है, आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ रहा है, या फिर थोड़ा आपने पानी पिया उसके कुछ आधे घंटों बाद आपको फिर बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, तो यूरिन में बदलाव, यानी फ्रिक्वेंटली आपको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है, पेशाब के लिए जाना पड़ रहा है, तो ये एक अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स है। और नॉर्मल डेज में अगर आप इतना यूरिन पास करने के लिए नहीं जाया करती थी, लेकिन अब जो है पानी आप उतने ही क्वांटिटी में पी रही हो, लेकिन आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, तो मे बी ये एक प्रेगनेंसी का अर्ली सिम्टम्स माना जा सकता है। उसके बाद थर्ड ये है कि बहुत सारी महिलाओं का जब प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, प्रेगनेंट होती हैं, तो क्या होता है कि गर्भाशय जैसे ही बढ़ने लगता है, गर्भाशय का आकार बढ़ने लगता है, गर्भाशय की दीवार पे जैसे ही एम्ब्रियो चिपकती है, गर्भाशय जो है बढ़ना शुरू कर देता है, वहाँ के जो लिंगामेंट्स हैं वो स्ट्रेच होने लगते हैं। तो महिलाओं को पेट के निचले सतह में एब्डोमिनल एरिया में पेन होता है, जिसे छोटे मोटे क्रैम्पिंग आपको महसूस होंगे, जो कि पीरियड के क्रैम्पिंग से बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन क्रैम्पिंग आपको महसूस होंगे। ये अर्ली प्रेगनेंसी का एक सिम्टम्स है। लेकिन साथ ही उसके साथ बहुत सारी महिलाओं को प्राइवेट एरिया में भी जो है क्रैम्पिंग महसूस होते हैं, पेन महसूस होता है। तो अगर पेन आपको अचानक से शुरू होता है, मतलब पेन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल कम होगा, बिल्कुल कम, बिल्कुल चुभन जैसा अगर पेन होता है, स्ट्रेचिंग जैसा पेन होता है, तो वो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स माना जा सकता है। तो अगर आपने कंसीव करने के लिए ट्राई किया और आपको ये सारे सिम्टम्स अनुभव होने शुरू हो गए हैं, ये सारे सिम्टम्स जैसे कि जी मिचलाना, मूड स्विंग्स होना, अचानक से आपके विचार में परिवर्तन आ जाता है, आप गुस्सा हो जाती हैं, आप चिड़चिड़ा जाती हैं, छोटी छोटी बातों पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, आपको कभी लगता है ऐसा कि मैं किसी से बिल्कुल भी बातें ना करूं, मैं अकेले रहूं, इस तरीके से आपको मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन होना, खुश होना, अचानक से सारी बातें भूल जाना, अच्छे से बैठ जाना, जो सामने वालों को लगेगा कि अरे अभी ये ऐसे बोल रही थी, अभी फिर से अचानक इसने मूड बदल लिया। तो इस तरीके से अगर आपको हो रहा है, और इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देंगे, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं नई हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ जो है मैं बहुत सारे वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। तो इस तरीके से अगर आपके विचार में चेंजेस हो रहा है, पल में आप 16 पल में सबनम हो जा रही हैं, तो ये भी प्रेगनेंसी का ही सिम्टम्स होता है, एक जो आप समझ नहीं पाती हैं। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स अनुभव हो रहे, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से ज़रूर लिखें और बताएं कि आपने कंसीव कर लिया है या नहीं।